नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा 25 खबरें। हाथरस में रची जा रही साजिश पर बोले सीएम योगी, कहा ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। हाथरस में पीड़िता के घर गांव की निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, पिछले कुछ महीनों में पीड़िता के भाई और आरोपियों में सैकड़ों बार हुई फोन पर बात। हाथरस केस में जांच के लिए एसआईटी को मिला 10 दिन का अतिरिक्त समय, यूपी सरकार ने दी मंजूरी। हाथरस मामले पर शिवसेना का केंद्र पर हमला, कहा पीड़ित परिवार को भगवान भरोसे छोड़ दिया। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत, भाई शौविक अभी भी रहेंगे जेल में। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 67 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में सामने आए 72,000 नए मामले। शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बयान, कहा सार्वजनिक जगह पर अनिश्चित काल के लिए प्रदर्शन की अनुमति नहीं। सुन्नी वक्फ बोर्ड पर मेहरबान हुई यूपी सरकार, दोबारा 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया। मुख्यमंत्री शिवराज ने सतना जिले में शहीद के गांव पहुंचकर दी श्रद्धांजलि, ग्राम में होगी शहीद की प्रतिमा की स्थापना। अनूपपुर में रैली के दौरान कमलनाथ की गाड़ी पर पथराव, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने कमलनाथ के काफिले पर फेंके पत्थर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर तंज, कमलनाथ की तुलना गेहूं काटने वाले चेतुआ से की। पीसी शर्मा ने उपचुनाव को बताया महाभारत, मुख्यमंत्री शिवराज की तुलना शकुनी मामा से की, कहा कृष्ण रूपी कमलनाथ की होगी जीत। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट का कांग्रेस पर तंज, कहा धरातल में चली गई है कांग्रेस। केंद्रीय कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, 7 खतरनाक रसायनों पर भारत में लगा प्रतिबंध। केंद्रीय कैबिनेट ने ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को दी मंजूरी, मास ट्रांजिट सिस्टम को मिलेगा बढ़ावा। बिहार चुनाव में भाजपा को लगा दूसरा झटका, प्रदेश उपाध्यक्ष के बाद पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी लोक जनता पार्टी में हुई शामिल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तोड़ी गई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, विधानसभा सीट पर है अनुसूचित जाति का प्रभाव। उड़ीसा में भुवनेश्वर में राजभवन के पास स्थित पेट्रोल पंप में लगी आग, 8 लोग झुलसे। राजस्थान के बाड़मेर में 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने मामला किया दर्ज। राजस्थान में चुरू की युवती से 3 जगहों पर 8 दिन तक कई लोगों ने किया दुष्कर्म, अब गहलोत सरकार सवालों के घेरे में। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। आज से 3 दिनों तक चलेगी आरबीआई की बैठक, ग्राहकों को ईएमआई कम होने की उम्मीद। नोएडा में होगा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, ज्यूरिख इंटरनेशनल ने किया करार पर हस्ताक्षर। मुंबई इंडियंस ने 5 साल बाद राजस्थान को हराया, 57 रन की जीत से अंक तालिका में टॉप पर बनाई जगह। चेन्नई के सामने केकेआर की अग्नि परीक्षा, आज होगी बढ़त।